तो हे अस्सलाम वालेकुम, रफा जामा मस्जिद को तोड़ने की साजिश 15 दिन पहले से ही हो रही है। ये लड़की का नाम है हर्षू ठाकुर, जिसने एक वीडियो बना के डाली थी। निर्माण केलेला आहे ज्यांच्यामुळे गड किल्ल्यावरती काही नाजायज औलादांनी अतिक्रमण माजवलेलं आहे। त्या अतिक्रमणाला काढून फेकायची वेळ आलेली आहे। जसं विशालगडावर भगवा फडकवायची बारी आलेली आहे। सगळ्यांनी एकत्रित या। सकल हिंदू समाज जास्त प्रमाणात उपस्थित राहा। के हिंदू ही स्वराज्य जिसने स्थापन करा, जैसा उसने बाबर के छाती के ऊपर भगवा लहराया, उसी तरीके से विशालगढ़ के ऊपर हमको भगवा लहराना होगा। ज्यादा से ज्यादा हिंदू समाज वहाँ पे आकर पहुंचे और वहाँ पे एक्शन ले, ऐसा इसने अपने वीडियो के अंदर बोली। मैं क्लिप डाल दे रहा हूँ। एक चीज बोलना चाहूंगा, अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, सरकार की। ये कौन होती है कानून अपने हाथ में लेने वाली? इसका काम है हमेशा से, शुरुआत से एक ही चीज रही है, एक औरत हर जगह नफरत ही फैला सकती है। उसी तरीके से ये चाहती है, इसके पूरे वीडियोस निकाल के देखो तुम, मैं इसकी आईडी डाल दूंगा। ये हर तरफ हिंदू मुस्लिम के साथ झगड़े लगाने की कोशिश करती है, हर तरफ दो समाज के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश करती है। और लोग इसकी बातों में आके हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़े करते। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज उतने इम्पोर्टेंट है जितने हमारे लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को उतना ही मानते हैं, हम मराठा समाज को हमारा भाई मानते हैं। जब भी आरक्षण की जरूरत पड़ी थी, जब आरक्षण की सिचुएशन आई थी, तब हम लोग मराठा लोगों के कांधे से कांधा लगा के खड़े थे। हर मुसीबत में हम उनके साथ में खड़े हुए रहते। ये होती कौन है मराठा समाज और मुसलमान के अंदर नफरत फैलाने वाली?